नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मोदक बनाएंगे चावल की। ये देखिए, चावल का आटा लिया है 150 ग्राम, ये चावल का आटा है। और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये देखिए सब 20 ग्राम 20 ग्राम और ये 20 ग्राम। और ये 5-6 इलायचियां ली हैं, इसके हमने दाने निकाल लिए हैं। तो हम इसको तो पीस के तैयार कर लेंगे। नारियल को हमको पीसना है। और देखिए, इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। ये 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम ही हमको पानी लेना है। ये देखिए 150 ग्राम ये पानी है। और इसमें हम ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आधा चम्मच घी डाल देंगे। और थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आटा डालेंगे। ये देखिए पानी गर्म हो गया है, इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए इस तरह से आटा डाल लिया। और इसे हम चलाएंगे। देखिए इस तरह से बंद करके ये तैयार हो गया हमारा। गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसी पे थोड़ी देर इसी तरह चलाएंगे तो ये पक जाएगा और अच्छी तरह से। ये देखिए चिकना हो गया बिल्कुल। ये देखिए इस पर ढक देते हैं इसको और इसी तरह से थोड़ी देर इसी पे पड़ा रहने देंगे। ये देखिए कितना चिकना कितना बढ़िया बन करके ये तैयार हुआ। इसको ढक देते हैं। ये देखिए नारियल को पीस लेते हैं और इसी में हम डाल देंगे इलायची। ये 5-6 इलायची के दाने लिए हैं, 5-6 इलायची ली, इसको मैंने इसके दाने निकाल लिए और इसी में इसको पीस लेंगे तो इसमें अच्छे से पीस के तैयार हो जाएगी। ये देखिए गुड़ लिया है 50 ग्राम, इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए अच्छी तरह से इसको मैश कर दिया। और अब हमें इस नारियल में और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसमें सभी में मिला लेना है इसको इस तरह से। तो अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए सभी गुड़ को ये देखिए मिला करके तैयार कर लिया। और हम इसके छोटे छोटे इस तरह से गोले बना लेंगे जिससे कि उसके अंदर हम काम इस पर कर पाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे से हमको ऐसे बना लेने हैं इस तरह से। सभी बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया आटा बन करके तैयार हुआ है। हम बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए मोल्ड लिया है इसका और इसमें हमें इस तरह से इसमें लगा देना है किनारे किनारे, इसमें सभी जगह से इसको इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से सेट कर दिया। और इसमें से अब हम ये हमने बना के रखा था इसको हमें इसमें स्टफिंग भर देनी है। ये देखिए इस तरह से और ऊपर से इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए अब इसको खोलेंगे। देखिए अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना सुंदर की देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम और बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारे ये बन करके तैयार हो गए। देखिए कितने खूबसूरत बने हैं। अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें इसको रख देंगे। ये देखिए और इसको 3-4 मिनट तक हम इसी तरह से इसको स्टीम होने देंगे। ये देखिए इस तरह से 3-4 मिनट के बाद हम इसको बंद करेंगे गैस को और हमारे तक बन करके ये तैयार हो जाएंगे। ठीक 3-4 मिनट हो गए हैं, हमने गैस बंद कर दी अभी। और देखिए ये हमारे ये बन करके तैयार हो गए हैं। हम इनको नीचे उतार लेंगे फिर हम इसको सर्व करके दिखाएंगे आपको। अब हम इनको सर्व करेंगे। देखिए ये देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी ली, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया। तो ये देखिए अब हम इससे अपनी डिश को देखिए ऊपर से डालेंगे। हल्दी शुभ होती है, इसे थोड़ा सा हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे खूबसूरत भी दिखेंगे। और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए ये देखिए सुंदर लगने लगे हमारे। ये देखिए
गणेश जी का प्रसाद हमारा बनकर के तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।